हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न हमें जीवन में रोज़ ही हल करने पड़ते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 केजी दही का मूल्य 100 रुपये है, तो 15 रुपये में कितनी दही आएगी। ठीक है, मान लो दुकानदार के पास गए तो वो बोलेगा कि 100 रुपये की केजी दही दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे ये लीजिए 15 रुपये का हमें दे दीजिए। अब उसने ठीक दिया आपको या सही नहीं दिया कैसे पता करेंगे, तो इसी चीज़ को सीखना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, 1 केजी दही का मूल्य 100 रुपये, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 1 केजी दही का मूल्य 100 रुपये है, या आप लिख सकते हैं 100 रुपये बराबर 1 केजी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करोगे, इस 1 केजी को हम लोग ग्राम में बदलेंगे, तो 1 केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसे ही लिख दोगे आप लोग, ये 100 रुपये ऐसे ही चलता रहेगा और ये 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब देखिए 100 रुपये में 1000 ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे 1 रुपये में कितना ग्राम आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 100 अपॉन 100। ठीक है, 100 को 100 से कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 1000 को 100 से ही करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करोगे आप लोग, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 100 से 100 चला गया कितने बार में, एक बार में, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बचा अपने पास, 1 रुपये बराबर 10 ग्राम। ठीक है, 1 रुपये में कितना आएगा, 10 ग्राम। तो अब आप लोग कर सकते हैं, हमें कितना दिया है, 15 रुपये, तो आप लोग लिखोगे 15 गुणा 1 रुपये, और इसी तरह इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, 15 गुणे 10 ग्राम। ठीक है, अब ये 15 एकम 15, तो कितना आ गया, 15 रुपये बराबर 15 को 10 से करोगे आप लोग तो कितना जाएगा, 150। ठीक है, तो 150 ग्राम, 15 रुपये में 150 ग्राम दही आएगी, यही आपका आंसर है। और इस तरह से आप लोग अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।